शमी कपूर ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी कामयाबी हासिल की थी उससे कई ज़्यादा उनकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों में रही थी। आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। हिंदी सिनेमा में अपने बेहतरीन योगदान के लिए जाने जाने वाले दिवंगत अभिनेता शमी कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि शमी कपूर अपनी लेविश लाइफ स्टाइल और अपनी लव स्टोरी के लिए काफ़ी मशहूर थे, और ये वाकई सच है। उनकी और गीता बाली की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हालांकि जितना सच्चा उनका प्यार था उतना समय वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बिता पाए। किसी ने सच कहा है, ये दिल है एक बार जिस पर आ जाता है उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हाल शमी कपूर का भी था, क्योंकि उनका दिल गीता बाली के पास था। वहीं गीता बाली भी शमी से बेहद प्यार करती थी, वे उनकी हर जरूरत का खास ख्याल रखती थी। शमी कपूर की सफलता में गीता बाली ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया था। दोनों अपने गाने के कारण एक दूसरे के करीब आए थे। दरअसल शमी कपूर और गीता बाली दोनों को ही गाने का बहुत शौक था, और यही दोनों को एक दूसरे के बेहद करीब ले आया था। ये उस समय की बात है जब शमी कपूर रानीखेत में रंगीन रातें की शूटिंग कर रहे थे। हालांकि इस फिल्म में गीता बाली का कोई रोल नहीं था, लेकिन शमी कपूर के साथ रहने के लिए उन्होंने फिल्म में एक लड़की का रोल प्ले किया था। यहीं से दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया था। उस समय इंडस्ट्री में दोनों के अफेयर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। काफी समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद शमी ने गीता को प्रपोज किया था, और गीता ने भी अपनी हामी भरी थी, जिसके बाद दोनों ने रातों रात शादी कर ली। गीता बाली के निधन के बाद शमी कपूर बुरी तरह से टूट गए थे। जी हाँ, शमी कपूर और गीता बाली की शादी 8 से 9 सालों तक चली थी। दरअसल एक बीमारी के कारण गीता बाली की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद शमी कपूर सदमे में चले गए थे। गीता के निधन के बाद शमी राज कपूर के साथ 6 महीने तक रहे थे। राज कपूर ने उनकी देखभाल की थी। एक इंटरव्यू के दौरान शमी कपूर की दूसरी पत्नी नीला देवी ने बताया था कि शमी कपूर के लिए उनकी पहली पत्नी की मृत्यु एक बहुत बड़ा सदमा था। उन्होंने ये भी बताया था कि जब शमी कपूर अपने सदमे से बाहर आए थे तो वह हर साल गीता बाली की याद में 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक 21 दिनों तक शराब का सेवन भी नहीं करते थे, क्योंकि गीता बाली 1 जनवरी को बीमार हुई थी और उसी महीने की 21 तारीख को उनका निधन हो गया था।